अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है कई हद तक। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की, एपिसोड 32। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो पंखुरी की डैड जब देखती है पंखुरी की मान में सिंदूर, तो वो शॉक होता है। वो पूछता है कि ये सब क्या है, तो बोलता है कि हाँ ये सब ये है कि ये शादी हो गई है इन दोनों की। तो उस चीज़ से उनको गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैं शादी को मानता ही नहीं, और वो उस चीज़ पर बहस करने लगता है। पलक की मॉम समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो है समझता ही नहीं। वो पंखुरी को एब्रॉड जाने के लिए बोलता है तो पंखुरी भी बोलती है कि मुझे नहीं जाना। अब मानो या ना मानो शादी तो हो चुकी है और मैं खुश हूँ, ये बोलती थी। और वो भी अपने डैड से जो है बहस करने लगते। फिर जो पलक की मॉम है वो समझाती है कि बेटी तुम्हारी है लेकिन उस पर हक सबसे ज़्यादा मेरा है, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं तुमसे नहीं जा पूछूँगी ये चीज़। फिर जो है पंखुरी के डैड गुस्सा होकर वहाँ से घर से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे। महिषा जब देखती है कि पंखुरी को इतना गुस्सा आया है तो वो एकदम से जाती है और उनको बोलती है कि आप स्ट्रेस मत लो, उनको थोड़ा वक्त तो दो। यूँ अचानक अगर सब कुछ एक साथ हो तो सामने इंसान यही रिएक्शन आएगा, पॉजिटिव लीजिए और अपना दिमाग में ज़्यादा जोर मत दीजिए, आप रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पंखुरी जो पलक की मॉम है वो भी समझाती है कि बेटा जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, उसको समझा दूँगा। फिर पंखुरी भी कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से बोलती मुझे चेंज करना है और मुझे बॉडी वॉश करना है क्योंकि हॉस्पिटल की स्मेल आ रही है। तो महिषा बोलती है हाँ ठीक है, तो आप चलिए मैं रूम पर ले जाती हूँ। तो पलक भी आती है तो एक साइड जो है महिषा पकड़ती है बहुत प्यार से, तो दूसरी तरफ से जो है पलक सपोर्ट करती है। तो वो दोनों इसको पकड़ के जो है वो लेके जाते हैं। तो जब उसकी रूम के साइड पे जाते तो एकदम से पंखुरी बोलती मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो महिषा एकदम से बोलते आपके रूम में। तो पंखुरी एकदम से बोलते मेरे रूम में, पर तो पलक बोलती क्या हुआ, तेरे रूम पे ही जाएंगे ना? तो वो एकदम से बोलती लेकिन मेरे रूम तो महिषा का रूम है ना, अब शादी हो गई है तो उसका रूम मेरा रूम एक ही तो है, तो मुझे तो उस रूम में लेके चलना है। तो पलक जो है वो एकदम से अपने सर पे हाथ मारते बोलती है भगवान यार, तुझे किस मुहूर्त पे तू डॉक्टर बन गई, पहले तो ये बता। तेरी हरकतें ना सारे बच्चों वाली हरकतें हैं, तुझे अब उस रूम में देख, बहन मेरी बात सुन, क्या अच्छे से सुन, अभी तू या इस रूम में आ, शाम तक मैं तेरा जो सामान है वो महिषा के रूम में शिफ्ट कर दूँगी। तो महिषा तो शौक होती है, वो एक टक घूर के देखती है पंखुरी के, तो पंखुरी बोलती क्या देख रही हो ऐसे, बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी रूम पे रहने की हक है मुझे, तुम्हारे साथ रहने का हक है मुझे, क्या शादी नहीं की है तुमने? तो बोलते किया तो है। तो बोलते हाँ तो फिर, तो पलक बोलती तू शांत हो जाए, यू भड़क मत, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा वक्त दे, तेरा जो सामान है वो मैं शिफ्ट करा दूँगा, बस अभी के लिए तू थोड़ा शांत हो जाए। तो फिर जो है पंखुरी कुछ नहीं कहती, वो जाती है, उसे लेके जाते हैं अपने जो है उसके रूम पे। तो रूम पे ले जाने के बाद जो है वो तो जो है एकदम से पलक बोलती है लो महिषा बाकी का आगे जो करना है तुम करो, मैं चली। तो बोलती कहाँ चलिए आप? तो बोलती क्यों नीचे जाना है, वहाँ पे गेस्ट तो आए हैं, इसके मैडम आए हैं, इसके दोस्त आए हैं, तो उन सबका तो देखना है। तो बोलती वहाँ मम्मी और आंटी लोग भी है ना, आप यहीं पर रुको। तो बोलती क्यों?
भाई बीवी तुम्हारी, तुम देखो मुझे क्या लेना देना। तो जो है पलक एकदम से जाने लगती है तो मायशा जो है एकदम से हाथ पकड़ती है और बोलती भाभी प्लीज मत जाइए। तो जो भाभी सुनती है पलक, वो तो शौक, वो एकदम से पीछे पलटती है, बोलते कि क्या बोला तुमने। तो पंखुड़ी भी शौक होती कि इसने भाभी बोला, क्योंकि पंखुड़ी को वो एक नहीं सुनी थी कि इसने भाई बोला है या भाई मान लिया है अबीर को। तो वो शौक होता है कि इसने इसको भाभी माना। तो पलक जो है वो बोलते क्या बोला तुमने। तो बोलते कि भाभी। तो पलक बोलते फिर से बोलना। तो बोलती क्या है भाभी, छेड़ो तो मत इतना। मैं ठीक है, मैं संभाल लूँगी आगे से, बस आज आप देख लो प्लीज़। तो बोलती हाय तुम्हारी मुँह से भाभी वर्ड कितना अच्छा लगता है। वो तो एकदम से जो है वो मायशा को हग करती है, बोलती कितना प्यारा लगता है तुम्हारी मुँह से ये भाभी वर्ड्स, हाय मैं मर जाऊँ। तो बोलती क्या है भाभी प्लीज़, मुझे भी शावर लेनी है, आप मेरा हालत तो देखो, बस आज के लिए आप संभाल लो, आगे से इनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे। तो पलक मुस्कुराती है। तो पंखुड़ी का थोड़ा सा वो मूड ऑफ हो जाता है, तो चुप है, वो कुछ नहीं कहती। तो मायशा है वो वहाँ से चली जाती है, और इधर पलक बोलती है चल आ जा, तेरा जो है बॉडी वॉश कराते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं। तो वो जब देखती है माया पंखुड़ी की फेस पे तरफ, तो बोलती क्या हुआ, अब तू क्यों उदास हो गई। तो बोलती कुछ नहीं। तो एकदम से जो है पलक बोलते अरे यार यार, कभी कभी मुझे लगता है ना तूने जाली एग्ज़ाम में नकल करके पास हुआ है डॉक्टर के लिए। तो अब पंखुड़ी एकदम से बोलते क्या बात कर रही है तू। तो बोलते हाँ, क्योंकि डॉक्टर वाली कोई भी मैच्योरिटी तेरे अंदर में है ही नहीं, तू हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करती है, अभी भी छोटी सी बात के लिए मुंह फुला लिया तूने। अरे यार मैं जानती हूँ, देख एक चीज़ तू समझ, तूने जैसे तैसे करके उसे मना तो लिया, उसने शादी भी कर लिया, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो रख, उसको थोड़ा सा वक्त तो दे, समझने दे चीज़ों को। जिस दिन ये खुद समझ जाएगी ना, उस दिन तुझे बोलना भी नहीं होगा, वो खुद से करेगी। तो चीज़ें को ऑकवर्डनेस में मत फेंकना, जब वो खुद कंफर्टेबल फील करेगी वो खुद करेगी, उस चीज़ का इंतज़ार कर। तो पंखुड़ी बोलते तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे अंदर दिमाग नहीं है या मैं समझदार नहीं हूँ, क्या समझती है तू, ऐसे ही मैं डॉक्टर बन गई। तो पलक बोलते मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो पंखुड़ी बोलती है यार चुप रहेगी तू। तो बोलते हैं मूड तो ऑफ मत कर, दिन तो तेरा है यार, तेरा प्यार मुकम्मल हो गया, तेरा प्यार तुझे मिल गया, तेरी खुशी तुझे मिल गई, और क्या चाहिए ज़िंदगी में तुझे। तो पंखुड़ी बोलते हाँ यार ये बात तूने सही कहा, बस कुछ नहीं चाहिए और ज़िंदगी में, बस वो साथ रहे हमेशा। तो बोलती यही तो बात है ना। फिर जो है वो उसको ड्रेस चेंज करती है, उसका बॉडी वॉश करती है, वो सर पे पट्टी लगी है ना, तो जो सर है वो नहीं भिगाती है, वो सिर्फ बॉडी वॉश करके उसको फिर सुखा के जो ड्रेस चेंज करा देती है। फिर वो तभी जो है एकदम से डोर पे नॉक आते हैं, और बाहर से ही मायशा बोलती कि हो गई क्या, मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी पलक बोलती है हाँ हाँ आ जाओ यार, बीवी तुम्हारी, तुम नहीं आओगी तो कौन आएगी। तो एकदम से मायशा अंदर, तो बोलते भाभी प्लीज़ ना, अब आप छेड़ना तो शुरू मत करो मुझसे। तो बोलते आई तुमने रिश्ता इतना पक्का कर दिया कि हम खुद को रोक नहीं सकते, क्या करें। तो
तो पंखुरी हंसती है थोड़ी बहुत। तो मायशा जब पंखुरी की फेस पे हंसी देखती तो उसे सुकून मिलता है। तो चलो उनका माइंड कम से कम डाइवर्ट तो हुआ। फिर जो ये लोग हैं वो नीचे जाते हैं, तो नीचे जाके तो देखते हैं कि सब लोग तो बैठे हुए थे, तो सब लोग बातें कर रहे थे। जब पंखुरी को देखते तो उसके जो डॉक्टर है मेंटोर वो आती है, उसका हक के बोलता है तबीयत कैसी है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। आकाश मिलता है, जो गर्लफ्रेंड है आकाश की वो भी मिलती है कि चलो। तो एकदम से जो है महेशा की मोम बोलती है कि यार चलो तुम सब खाने के टेबल पे आ जाओ और खा लो। तो सब जो है खाते हैं। तभी एकदम से जो है महेशा की पलक की मोम के फ़ोन पे कॉल आती है, जो कि पंखुरी की डैड का होता है। तो एकदम से बोलती है कि हाँ बोल क्या। तो उस फ़ोन की दूसरी ओर से बोलती है कि दीदी एक बार उसे समझाओ, अगर वो मेरे साथ चले तो अच्छा, वरना मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो बोलते हैं कि तुझे जाना है तो जा, वो नहीं जाएगी। तो एकदम से बोलते अच्छा तो ये आखिरी फैसला है। तो बोलते हाँ। तो बोलती ठीक है मैं वापस घर नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो एकदम से बोलते जैसा तेरे मर्ज़ी। तो कॉल कट कर देते। तो पंखुरी पूछती है क्या हुआ मम्मा। तो बोलती कुछ नहीं बेटा, तुम खाना खाओ। फिर जो है सब लोग खाना खाते हैं वहाँ पे के बैठ कर, बहुत सारे बातें करते हैं। मायशा का जो भाई है वो आते हैं मायशा से, वो बातें करते कि दीदी दीदी चॉकलेट कहाँ है, चॉकलेट नहीं लाए। तो बोलते बेटा चॉकलेट तो लाए। तो एकदम से जो आबिर है वो अपने पॉकेट से एक चॉकलेट लेता है, बोलते ये लो आपका चॉकलेट। तो खुश हो जाता है वो, एकदम से जो है आबिर को हक करता है। और ऐसे ही चलती है। तो एकदम से जो डॉक्टर और आकाश हॉस्पिटल वो लोग बोलते कि तो अब हम चलते हैं। तो एकदम से जो है पलक की जो मॉम है बोलती है कि कल आप लोग सारे आ जाएगा, डिनर की यहाँ पे इंतज़ाम है इन दोनों की शादी की तरफ से, थोड़ी छोटी सी फैमिली मीटअप। तो बोलती ठीक है हम चले आएंगे। तो ये बोल के वो पलक और पंखुरी और मायशा से मिलते हैं, वो लोग चले जाते हैं। उधर जो है मायशा की मॉम, पलक की मॉम और पलक की सास मॉम, ये लोग जो है वो काम करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। तभी जो है अभी एकदम से बोलता है पलक को कि तुम्हारी एक्सरे भी करानी है तो हम कल चले। तो जो पंखुरी एकदम से बोलती कि जीजू आप 2 दिन वेट कर लो, मैं 2 दिन बाद जब थोड़ी सी बेटर फील करूँगी तो मैं खुद जाऊँगी, आप परेशान मत हो। तो अभी भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है जैसा समझो वैसा। फिर वैसे ही जो है शाम हो जाती है से। तो मायशा जो है वो करीब 3-4 दिन से तो सोई नहीं थी ठीक से, वो ध्यान रखती थी पंखुरी का तो ठीक से सोई नहीं थी। तो जब वो सब लोग जो है हॉल रूम में बातें कर रही थी तो मायशा जो है वो पंखुरी के पास ही साइड पे बैठी थी। तो एकदम से जो है वो टाइट बहुत थकावट थी उसमें, तो थकावट थी उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठीक से सो नहीं थी, उसने सोया नहीं था। तो उसे ना बहुत ज़्यादा नींद आने लगते और एक वक्त ऐसा आता है कि वो काउच पे ही बैठे हुए सो जाती है। और उसकी जो शोल्डर है या उसके जो सर है वो एकदम से जाके जो है पंखुरी के शोल्डर पे जाके टिकती है। तो जब पंखुरी को ये एहसास होता है तो वो एकदम से पलटती है और देखती कि मायशा तो भाई उसकी शोल्डर पे सर रख के सो रही है। तो पलक कर अभी जब ये देखते हैं तो उन दोनों को ये चीज़ बहुत प्यारा सा लग रहे थे। तो अभी बोलते हैं यार कितनी क्यूट लग रहे हो तुम दोनों। तो पलक बोलती है यार इसने ना 3-4 दिन से ठीक से नहीं सोया, इसलिए शायद थकावट के चक्कर में। तो पंखुरी बोलते हाँ पता है मुझे। तो
तो थोड़ा सा साइड होती है, तो एकदम से जो है मायशा वो उसकी जो लैप पे है उसका सर चला जाता है, और वो वैसे ही बहुत कंफर्टेबली आराम से जो वो सो जाता है। थोड़ा हिलता है, हिलने के चक्कर में ही वो ऐसे गिरने की तरह हो जाता है कि वो एकदम से जो है उसका सर जो है पंखुड़ी की लैप पे होती है, तो पंखुड़ी जो है बहुत प्यार से उसकी सर को सहलाने लगती है। पंखुड़ी की मोम, पलक की जो सासू मोम, ऐशा की मोम, जब ये लोग ये सीन देखते तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि चलो अच्छी बात है। तो करीब जो है 1 घंटा मायशा उस पोजीशन में ही सोती है, पंखुड़ी थोड़ी सी भी नहीं हिलती, क्योंकि अगर तो उसकी थोड़ी सी भी हिलने से जो है अगर इसकी नींद टूट जाए वो ये चीज़ नहीं चाहती थी। पलक एक बार बोलती तो है कि देख ये अच्छा नहीं है, तेरी तबीयत भी ख़राब है, उसे बुला ले, तो मना कर देती है। करीब 1 घंटे बाद एकदम से जो है मायशा की नींद टूटती है, और जब वो नींद टूटती है तो देखती है कि वो किस पोजीशन में है, तो एकदम से हड़बड़ा के उठता है वो, उठती है और पंखुड़ी की तरफ देखती, बोलती कि आप ठीक हो? आई एम सॉरी। वो थोड़ा सा तो पंखुड़ी एकदम से बोलती है, इट्स ओके, तुम सॉरी मत बोलो, अब बीवी हूँ, तुम्हारा हक है, इसमें इतना फॉर्मेलिटीज क्यों मेंटेन करना। तो मायशा चुप हो जाती है, और डिनर का वक्त होता है तो जो है वो जाती है, पहले पंखुड़ी वहीं पे बैठी हुई थी पलक के साथ बात कर रही थी, जो मायशा है वो जाती है अपने रूम में और फ्रेश होके वो आती है। ये लोग डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद जो है वो जो है वो नीचे सब लोगों से बात करके वो ऊपर जाने लगता है, तभी पंखुड़ी एकदम से बोलती है पलक से कि मेरा सामान तूने, तो बोलते हैं हाँ मेरी माँ सब शिफ्ट करा दिया है, तू जा सकती है। तो वो जो है एकदम से जो मायशा है वो जो मायशा है वो पंखुड़ी से पूछती है कि आप चल सकती हो ठीक से? तो बोलती यार मुझे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, चल सकती हूँ, क्या हुआ? जोट मेरे सर पे लगे है, तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो कि पता नहीं क्या हुआ, चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ फिर भी? तो बोलते हाँ ठीक है। तो वो जो है वो पीछे पीछे जाती है, पंखुड़ी आगे रहती है, वो तो जो है वो उठती है तो जाती है रूम पे, मायशा की रूम पे जाती है, और वो पहले वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम से आती है थोड़ी बहुत फ्रेश होके, तो जब आती है तो देखती है कि जो मायशा है वो एक जो पिलो है वो लेती है और एकदम से काउच की तरफ जाने लगती है। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती है ये क्या कर रही हो तुम? तो मायशा बोलती कि वो आप बेड पे कंफर्टेबली सो जाओ, मैं यहाँ पे सोती हूँ ना। तो बोलती क्यों? तो बोलती क्यों मतलब क्या आप? तो बोलती बताओ क्या तुम भी यहीं पे सो रहे हो? तो बोलती मायशा एकदम से बोलती पर, तो बोलती पर वर कुछ नहीं, मुझे मेरे लिमिट याद है मायशा, बार बार याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मायशा जो है चुप हो जाती है, वो मन में बोलती यार यार मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो जो पंखुड़ी हो एकदम से उसके पास जाती है और बोलती देखो, और उसकी जो चीन से पकड़ के उसकी जो मुंह है वो एकदम से थोड़ा सा ऊपर उठाती है सर को, और बोलती देखो सुनो मेरी बात, मैंने जो वादा किया है, जो शर्त मैंने एक्सेप्ट की है वो मेरे दिमाग में है, मैं वो चीज़ कभी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, लेकिन उसके अलावा
मेरा जो हक है तुम्हें देना होगा बस। तुम इस चीज़ से दूर भाग नहीं सकती। तो मायशा बोलती कि क्या मतलब? तो बोलती है, तो उसके हाथ से वो पिलो लेती है, तो बेड के एक साइड पे रख देती है और बोलते हैं हाँ अब जाके सो। तो बोलते अच्छा ठीक है आप सो जाइए पहले। तो बोलते मैंने जो कहा वो करो। तो जो है पंखुरी एकदम से जो है बोलती ठीक है। तो एकदम से जो है वो जाती है बेड पे और सोती है, दूसरी तरफ मुंह करके सोते। तो पंखुरी बोलते ठीक से सो। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते मुझे तुम्हें हक करके सोना है। तो जब ये सुनती है तो मायशा एकदम से शौक हो जाती, बोलते क्या? तो बोलते हाँ क्या, मुझे तुम्हारे सीने में सर रख के सोना है, मुझे सुकून मिलता है, इतना तो कर ही सकती हूँ ना, इतना तो हक है मुझ में मुझे। तो मायशा फिर कुछ नहीं कहती, तो वो तो एकदम से रोबोट हो जाती है, वो ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है, वो एकदम चुप हो जाती है। क्या बंदी बोले भी तो क्या बोले। तो फिर जो है पंखुरी बहुत आराम से बेड की दूसरी तरफ जाती है, पहले लाइट ऑफ किया जाता है, फिर जाती है और एकदम से जो है वो जो मायशा की तरफ बढ़ती है और एकदम से उसके सीने में अपना सर रख देती है। तभी जब वो उसको ये महसूस होता है कि मायशा की जो हार्ट बीट है भाई साहब, वो तो पता नहीं कितने हज़ार स्पीड से भाग रही थी। तो वो एकदम से उसकी जो हार्ट की साइड है चेस्ट साइड पे वहाँ पे हाथ रखती है और उसे थोड़ा सा रब करती है। बोलती क्या रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ कर थोड़ी रह रही हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम्हें हक करके सोना चाहती हूँ, बस इतना ही। ये तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो रही है? तो जब वो अपना हाथ उसके हार्ट साइड पे रखती है तो मायशा की तो हालत देखने लायक था। ओफो, तो वो बोलती पहले तो आप ये हाथ हटाइए यहाँ से। तो बोलती क्या बोल रही हो, ठीक से बोलो। तो बोलती पहले हाथ हटाइए। तो हाथ जो है वो हटाती है एकदम से। तो बोलते तो एक लंबी सांस लेती है। तो पंखुरी बोलती क्या हुआ? तो मायशा बोलती कुछ नहीं। तो बोलती मुझे हक करो ठीक से। तो मायशा बोलती कि ज़रूरी है? तो पंखुरी बोलते हाँ है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मायशा फिर जो है उसे हक करती है, बैक हैक करती है हक उससे। तो जब वो हक करती है तो पंखुरी को इतना अच्छा फील होता है कि पूछो मत, क्या ही बोले। वो बहुत उसको इतनी खुशी मिलती, इतना सुकून मिलता है कि वो आंखें बंद करके सिर्फ पंखुरी मायशा को महसूस करने लगती है। और मायशा वो धीरे धीरे अब जो है कंफर्टेबल हो रही थी धीरे धीरे। तो जो है थोड़ी देर बाद ही जो हमारी पंखुरी है वो सो जाती है, क्योंकि वो तो मेडिसिन ऑलरेडी ले रही थी तो उसका असर तो होगा, तो वो सो जाती है। मायशा तो नहीं सोती। वो एक जब उसको एहसास होती है कि कोई हलचल नहीं हो रही है तो वो देखती है, आंखें खोलती है तो एक साइड पे देखती कि जो पंखुरी है वो उसके सीने में सर रख के ही एकदम बच्चों की तरह उसे हक करके टाइटली वो सो रहे हैं। उसे ये देखकर इतना सुकून मिलता है, जो पंखुरी की फेस में वो सुकून चीज़ वो दिख पा रही थी। तो वो मन में ही वो एकदम से जो है उसकी जो सर पे उसकी जो फॉरहेड पे वो थोड़ा थोड़ा बाल जो आ रहे थे वो तो अपने हाथों से वो साइड करता है। पंखुरी तो भाई गहरी नींद में जा चुकी थी। तो मायशा जो है वो उसकी जो थोड़े से बाल थे वो साइड करते हैं और एकदम से बोलते कि
सिवाय उस चीज़ का मैं हर चीज़ से आपको देने की कोशिश करूँगी, मैं कभी आपको दुख नहीं दूँगी, हमेशा मेरी यही आरजू होगी कि आप खुश रहो बस। तो ये बोल के जो है वो सर पे उसको सहलाने लगते हैं और एक वक्त जो होता है वो सो जाता है वो लोग। तो जब वैसे ही जो है वो रात गुजर जाती है, सुबह जब एकदम से जो है जो आरू की सॉरी जो मायशा की वो नींद टूटती है, तो जब वो नींद टूटती है तो वो एकदम से देखती है जो पंखुड़ी है वो एकदम से उसकी बाहों में थी और ज़्यादा क्लोज थी। तो जब वो ये सीन देखती है तो उसकी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है मायशा की, कि क्या चल रहा है इतना कुछ। तो फिर वो उस चीज़ को ध्यान से हटाती है, वो बहुत कंफर्टेबली जो है उसे अपनी से थोड़ा सा दूर करती है और सुला देती है। फिर वो उठती है, फ्रेश होती है और जब अपना प्रेयर्स करने लगती है, नमाज़ पढ़ती है, तो उस वक्त जो है पंखुरी की भी आंखें एकदम से टूटती है। और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि ये सीन तो पंखुरी को तो बस उस अंदाज में देखकर, मायशा को उस अंदाज में देखकर जो हमारी पंखुरी तो पहले से ही फ्लर्ट हो चुकी है, अब वो दिन पे दिन जो है उसका जो चीज़ें हैं मायशा की वो बाह जो है वो कहते हैं ना यार, एक लाइन है याद नहीं आ रही है, शिट। बस बस यही कहना है कि उन दोनों का प्यार जो है वो गहरा होते जा रहा है और भी समय के बाद साथ साथ। फिर जो है वो जब मायशा की प्यार ख़त्म हो जाते हो तो एकदम से उठती, तो उसकी नज़र भी जाती है जो है ईशा की जो पंखुरी की तरफ। तो एकदम से उठती बोलती, क्या आपको कुछ चाहिए? बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। तो वो बोलते है कि ये चीज़ तो एक्चुअली तो जो पंखुरी बोलते हैं मैं ठीक हूँ कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही देख लिया था। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो ये लोग तो जो है एकदम से जो है मायशा बोलती कि आप वॉशरूम जा सकोगे कि मैं हेल्प करूँ? तो बोलते नहीं मैं ये सब कर सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कुछ नहीं कहती। जब पंखुड़ी है वो उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और पंखुड़ी जो है वो एकदम से जो है मायशा को बोलती है कि मायशा, तो मायशा बोलती जी बोलिए। तो बोलती है ज़रा पलक को बुलाओगी? तो बोलती ज़रूरी है ज़्यादा? तो बोलती हाँ है। तो बोलते कि ठीक है मैं अभी बुलाती हूँ। तो वो सोचती कि नीचे जाए, लेकिन वो सोचती कि अगर उस बीच इनको कुछ चीज़ चाहिए हो तो वो नहीं जाते, वो फ़ोन से जो है कॉल करती है। तो पलक थोड़ी देर बाद आती है तो एकदम से बोलती क्या हुआ? तो बोलती नहीं वो वॉशरूम में है और आपसे मिलना चाहती है। तो बोलते वॉशरूम में? तो बोलते पता नहीं। तो पलक जो है वो वॉशरूम का डोर नॉक करता है, बोलती पंखुरी क्या हुआ? तो बोलती तू आ गई? तो बोलते हाँ। तो जो है एकदम से बोलती कि मायशा तुम अब नीचे जाओ। तो बोलती अब नीचे जाऊँ मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कुछ। तो बोलते तुम अब तो
बोलती कि जाओ यार, कुछ चाहिए होगा नीचे तो नीचे देखो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ, मुझे पलक से कुछ बात करनी है। तो मायशा फिर कुछ, जो मायशा है वो कुछ ज़्यादा कहती नहीं है। तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि जाओ, जा नीचे जाओ, जाके सबसे बातें करो, मैं कुछ देर बाद ही आती हूँ। तो जो है मायशा बोलती ठीक है, तो ऐसे बोल के जो हो चली चली जाती है। और इधर जो है पंखुरी जो है पलक को बोलती है कुछ कि मुझे ये पहननी है। तो पलक बोलती कि यार तेरी तो बोलती मेरी तबीयत ठीक है। तो बोलती ठीक है। तो एकदम से जो है तभी पंखुरी एकदम से मायशा को बोलती कि तुम जा तो रही हो लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाना। तो बोलती तो मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। तो बोलती नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुला लूँगी तुम्हें। तो बोलती ठीक है। तो उधर वो पलक जो है वो पलक को बोलती, तो पलक बोलती यार इस हालत में तुझे तो बोलती यार प्लीज़। तो बोलती ठीक है। तो हमारी जो पंखुरी है वो पहनती है भाई साड़ी। तो वो जो है वो एक ब्लैक कलर की जो है सिल्क साड़ी पहनती है। जो पलक है उसे ठीक से पहनाती है। तो जब ख़त्म होती है तो वो एकदम से बोलती कि उसे बुला के ला। तो बोलते आवाज़ दे, शायद बाहर ही खड़ी है। तो एकदम से बोलती मायशा। तो मायशा एकदम से आती है, बोलती हाँ। तो बोलती तुम नीचे नहीं गई थी? बोलते हाँ गई थी, फिर आ गई, आपको कोई ज़रूरत हो? तो बोलते हाँ। वो बोलती कि वहाँ से वो जो ड्रेसिंग टेबल के जो साइड पे थी, बोलती वहाँ पे वो सिंदूर ले आओ। तो आती बोलती ये लीजिए। तो बोलते हाँ। तो मायशा की तो नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन जब वो एकदम से सिंदूर लाती है, देखती है, तो भाई उसकी तो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है इस तरह देख के। तो एक टक बस पंखुरी को देख रही थी। तो पंखुरी तो बोलती कि देखो ये जो सिंदूर है वो मेरे मांग में भर दो। तो मायशा का तो कोई रिस्पांस आता ही नहीं है। वो तो बस एक टक देख रही थी पंखुरी को। पंखुरी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, क्या बोले, माशाल्लाह। तो पलक जो है वो मायशा को हिलाती है, बोलते ओ मैडम, इसने कुछ कहा? तो बोलती कि हाँ। वो तो बोलती क्या वो कर रही हो? जो कहा वो करो ना। तो जो है वो एकदम से जो है वो सिंदूर लेती है और पंखुरी की मांग में भरती है। और एकदम से बोलती कि ये तुम्हें हर रोज़ करनी होगी, याद रखना। मायशा कुछ नहीं बोलती। तो बोलती है वे लोग कि यार चलो हम नीचे जाते। तो वो जो है वो जाते हैं नीचे। मतलब थोड़ी पहले ही चले जाते हैं। तो जब मायशा और पंखुरी नीचे आती है सीढ़ियों से, तो भाई एक कपल वाइब्स आते हैं दोनों से। वो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो पलक की मोम एकदम से पलक की साइड पे जाती, बोलते ये ठीक हो गए? तो पलक पूछती कि क्या बोल रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं, ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। तो बोलते हाँ। फिर जो है आज तो इनविटेशन थे कि घर पे इन दोनों की शादी के कारण जो हुआ वो थोड़ा सा मीटअप प्लान करता है। और वहाँ पे जो आकाश उसका गर्लफ्रेंड और जो डॉक्टर है वो भी इनवाइटेड होते हैं। तो आज जो है डॉक्टर अपने साथ जो है वो अपने हस्बैंड को भी ले आती है। तो वो भी अच्छे इंसान होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो वो लोग जब आते हैं तो सब लोग वेलकम किया है। तो जो है पंखुरी तो सबसे बात कर रही थी, लेकिन मायशा की नज़र पंखुरी से हटती नहीं है। और उसकी जो पेट पे जो तिल है वो एक बार देख भी लिया था जब उसने उसकी पल्लू थोड़ा सा हट गए थे तो ठीक कर रही थी। तो वो बार बार उसकी नज़र उस साइड पे जा रही थी। तभी एकदम से पंखुरी भी नोट करती है और वो बोलती क्या हुआ क्या? तो
जो मायशा बोलती कुछ नहीं, तो बोलते हाँ तो ऐसे मत देखो ना, तो बोलती वो कुछ नहीं, तो फिर वो है उस साइड पे से हट जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ढेर सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़।